डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट, और इस सेकंड पार्ट में हम कैरी ऑन करेंगे दूसरे जो इम्पोर्टेंट प्रबंध के सिद्धांत हैं उनको। लास्ट लेक्चर में हमने फेयोल को डिस्कस किया था, लेकिन उसको डीपली डिस्कस नहीं किया था। द रीज़न इज़ कि अभी स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट का जो चैप्टर है वो अभी बाकी है, और उसमें हम और भी जो स्कॉलर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनमें कंपैरिजन भी करना है, और कौन से स्कॉलर्स की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं वो सूटेबल हैं करंट टाइम में, उनको भी हम इवेलुएट करेंगे। लेकिन कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास में, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। उद्देश्यों की जो एक रूपता है वो होनी ही चाहिए। कून्स और ओडोनेल ने ये अपना एक वक्तव्य इस प्रकार दिया है कि जो एंटरप्राइज है, जो संस्था है, उसके लिए जो प्राथमिक बात है वो ये है कि उसके जो उद्देश्य हैं वो बहुत क्लियर और वेल डिफाइन होना चाहिए, अच्छी तरह परिभाषित होने चाहिए, ताकि जो भी क्रियाविधि का क्रियान्वयन होना है वो अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग हम जानते हैं कि एक रोड मैप होता है जिसके ऊपर हम चलकर जो कोई भी टास्क है उसको हम कंप्लीट करते हैं। उसमें बहुत सारे उसके डिवीज़न भी होते हैं, वर्क डिवीज़न होता है, उसमें जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, प्रोसेसिंग है, और जो उसके आउटकम्स जो हैं उनको हम इवेल्युएट करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं। फीडबैक लेने के बाद में उनको वापस से हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लानिंग यहाँ पर वेल डिफाइन होनी चाहिए। जो रोड मैप, जो ब्लू चार्ट आप तैयार करते हैं वो वेल डिफाइंड तो होना ही चाहिए, साथ में वो आपके उद्देश्यों से भी मिलान उसका होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि उद्देश्य कुछ और हैं और जो आपकी प्लानिंग है वो आपके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं की जा रही हो। प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल है। कोई भी मैनेजर, कोई भी प्रबंधक अपने नीचे के जो कर्मचारी हैं उनको किस हद तक वो कंट्रोल कर सकता है, इसको हम स्पान ऑफ कंट्रोल से डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर ये बात देखने की है कि यदि और यदि ये चीज़ अगर यहाँ पर सही से नहीं हो पा रही है तो संस्था जो है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में उसको नहीं हो सकता है, तो जो स्पान ऑफ कंट्रोल है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत है ना, बहुत क्रूशियल हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। बैलेंस का यहाँ पर तात्पर्य है कि वो जो संस्था है वो अपने इक्विलिब्रियम में है या नहीं, क्या उसमें डिस्टर्बेंसेस हैं, चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हो चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट से हो। तो उसमें कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट होता है, समन्वय, जो समन्वय होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उनके बीच में जो रिलेशंस हैं वो बैलेंस होने चाहिए। उनको, उनकी जो कमांडिंग है, रिपोर्टिंग है, वो सभी बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन के साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन में कुछ इस तरह की बातें हम करते हैं कि आपने यदि कोई एफर्ट किसी और चीज़ के लिए किया लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो कुछ और आया, लेकिन वो संस्थागत उद्देश्यों के अकॉर्डिंग ही था, उससे आपको अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में लाभ हुआ, तो इस तरह से जो
एफर्ट्स हैं वो हमेशा तो कारगर नहीं होते हैं, लेकिन किसी संस्था के लिए यदि वो एफर्ट्स कारगर हैं तो वो संस्था उन एफर्ट्स को काम में लेती है। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, यदि कोई संस्था अपने वर्कर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़, इन सब लोगों को अलग रख कर चलती है, उनकी प्लानिंग वो अपने जो उनका स्किल सेट है उनके अकॉर्डिंग नहीं करती है, तो फिर वो पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं। जो प्रबंधक है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो सभी एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन इंश्योर करे, और इंश्योर करने के बाद में उन्हें गाइड करे कि इस तरह से संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये दोबारा रिपीट होंगे जब हम स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट की बात करेंगे, तो उसमें फेयोल, टेलर, कून्स, मैकग्रेगर, मिंट्सबर्ग, इन सब की बात दोबारा होगी। तो उसको फिर इसको फिर थोड़ा सा और डिटेलिंग के साथ में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।